खनियादाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा इन दोनों शराब माफियाओं पर बराबर शिकंजा कस रहे हैं। रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम खफार का रहने वाला जसरत लोधी अपने कुएं के पास कच्ची शराब बनाता है और वहीं से बेचने का काम भी करता है। थाना प्रभारी खनियादाना ने मय फोर्स के तत्काल मुखबिर की सूचना के अनुसार ग्राम खफार में मुखबिर द्वारा बताया स्थान जसरत लोधी के कुएं पर दबिश दी तो उक्त आरोपी के कुएं पर एक बल्ब के उजाले में एक व्यक्ति बैठा दिखा जिसके पास प्लास्टिक के कैन व ड्रम रखे थे, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिससे खनियादाना थाना की फोर्स की मदद से घेर कर आरोपी को पकड़ा गया। वहीं जब आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब बनाना कबूल किया और बताया कि मेरे पास से कच्ची शराब उतारी रखी है, जिसमें 50-50 लीटर के दो नीले रंग के प्लास्टिक की कैनों में कच्ची शराब रखी थी, जिसमें देखने पर दोनों डिब्बों में करीब 80 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब भरी थी। वहीं पास में तीन नीले रंग के ड्रम में कच्ची शराब बनाने के लिए लाहन भरा हुआ था। जब उक्त आरोपी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम जसरत लोधी पुत्र रघुनाथ लोधी उम्र 45 साल निवासी ग्राम खफार थाना खनियादाना का बताया। उक्त आरोपी जसरत लोधी के खिलाफ धारा 34(2) अबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। उक्त आरोपी के कब्जे से 80 लीटर शराब कीमती 24,000 रुपए व तीन ड्रमों में भरा लाहन 600 लीटर कीमती शराब 60,000 रुपए का मौके पर नष्ट किया गया। खनियादाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। रात्रि में शराब पकड़ी है अवैध कच्ची शराब, क्या मामला? कल रात्रि को आज बीती रात को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जसरत लोधी निवासी कफार का अपने कुआ पर अवैध रूप से कच्ची शराब उतार रहा है। उक्त सूचना पर से फोर्स के साथ दबिश दी गई तो आरोपी के कब्जे से 80 लीटर शराब मिली है, जो कच्ची आग पट्टी बनी हुई थी तथा तीन ड्रमों में लाहन भरा हुआ था, जो मौके पर नष्ट किया गया है। कुल 84,000 की शराब जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) की कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। मौके पर आरोपी शराब बना रहा था।